ये है 20 करोड़ से अधिक की आबादी वाला हमारा यूपी, और ये हैं हमारे यूपी के दो मेजर एरियाज, यानी कि पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी। इन दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी विविधताएं हैं। भौगोलिक रूप से दोनों क्षेत्रों में काफी अंतर है, पर जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में लगभग बराबर की है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले हमारे यूपी के इन दोनों क्षेत्रों की न्यायपालिका से जुड़ी समस्याएं काफी अधिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हमारे यूपी में एक उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट भी है, पर पश्चिमी यूपी के लोग न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं को लेकर के काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यूपी में जो हाईकोर्ट मौजूद है वो पश्चिमी यूपी के एरियाज से करीब 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक और बेंच जो यूपी की राजधानी लखनऊ में है वो भी पश्चिमी यूपी के जिलों से लगभग 200 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हाल ही में खबर आई है कि पश्चिमी यूपी के लिए लंबे समय से चली आ रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की अलग बेंच की मांग केंद्र सरकार जल्द ही पूरा कर सकती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसके बारे में बताया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना को लेकर के विधि मंत्रालय के पास न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी मौजूद है, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पश्चिमी यूपी के लिए जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, साथ ही समझेंगे देश में न्यायपालिका के स्ट्रक्चर और इसके जरूरत की। पर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। ये बात शायद कम ही लोग जानते हों कि एक समय में हमारे यूपी का उच्च न्यायालय पश्चिमी यूपी के आगरा शहर में ही मौजूद था। 1866 में जब पहली बार हमारे यूपी के लिए हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो इसके लिए आगरा शहर को ही चुना गया था, लेकिन इसके 3 साल बाद ही 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तब से इलाहाबाद में ही हमारे यूपी का उच्च न्यायालय मौजूद है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 1955 से ही मेरठ में एक और हाईकोर्ट बेंच की मांग चलती आ रही है। इस मांग की सबसे बड़ी वजह है कि पश्चिमी यूपी में आने वाले कुल 22 जिले और इन जिलों में रहने वाले कुल 9 करोड़ से अधिक लोग। 1980 के दशक में किसी राज्य में अलग अलग खंडपीठ बनाए जाने को लेकर के जब न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग की स्थापना हुई तो इस आयोग ने उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ की स्थापना के लिए कुछ मानदंड तय किए थे। इनमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या और मुख्यपीठ से प्रस्तावित पीठ की दूरी शामिल थी। इसके अलावा जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर उचित विचार करने के बाद स्थापित की जाती है। राज्य सरकार को इसके लिए अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना होता है, साथ ही संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति भी इसके लिए ली जाती है, जिससे उच्च न्यायालय और उसकी खंडपीठ के प्रशासन के कामकाज में आसानी हो सके। इन सब के अलावा प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। साल 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में लंबित सभी मामलों में सबसे अधिक मामले 57% के रूप में पश्चिमी यूपी से पेंडिंग है। इसमें 2008 के आंकड़ों के हिसाब से सिविल के 6 लाख से ज्यादा मुकदमे, क्राइम के करीब 3 लाख और बाकी 5.5 लाख मुकदमे लंबित थे। पश्चिमी यूपी में आगरा और मुजफ्फरनगर दो जगहों पर वकीलों की डिमांड है कि खंडपीठ बनाई जाए। इस मुद्दे को लेकर के एक मजेदार जुमला ये भी फेमस है कि पश्चिमी यूपी से इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी पाकिस्तान के लाहौर से भी ज्यादा है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के वकीलों ने क्लाइंट्स के नुकसान के डर से नई बेंच का विरोध शुरुआत से ही किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायिक सुधारों पर अगस्त 2009 की विधि आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह भी जरूरी है कि उच्च न्यायालयों का काम बांटा जाए, यानी सभी राज्यों में अधिक बेंच स्थापित हों। अगर न्यायाधीशों और कर्मचारियों की संख्या में कई गुना वृद्धि होती है तो सभी को एक परिसर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए नई पीठों की स्थापना आवश्यक है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नई बेंचों से उन वादियों का समय बचाने में मदद मिलेगी जिन्हें दूसरे शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। आइए अब आपको बताते हैं भारत में मौजूद न्यायपालिका के स्ट्रक्चर और इसके जरूरत के बारे में। हर समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या फिर व्यक्ति समूहों का आपस में या व्यक्ति समूहों का सरकार के साथ लगातार कुछ कारणों से विवाद चलता रहता है। इसी विवाद को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो इस तरह के विवादों की जांच पर दोषी को सजा देने का काम करती है और साथ ही साथ विधायिका द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए नियमों की जांच और कार्यपालिका द्वारा किए गए कामों की जांच भी निष्पक्ष रूप से करती है। इसलिए न्यायपालिका को भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ माना जाता है। अगर आप भारत में न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को देखें तो यह शंकु यानी कि कोन की तरह है। सबसे टॉप पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो ये बताता है कि भारत की
शासन प्रणाली संघात्मक यानी कि फेडरल है, फिर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू कराने का काम करती है, और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय जिनमें फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और भू राजस्व न्यायालय शामिल होते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर अनुच्छेद 216 के तहत नियुक्त करता है। इन सब के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उनकी संख्या आवश्यकता के अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो बारी आज के सवाल की, आपको यह बताना है कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की अलग बेंच की मांग के मुद्दे पर आपकी राय क्या है। इसके बारे में आप हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा इतने समय तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेना कितना सही है या गलत, इसके बारे में भी आप हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।